डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स टूडे आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वाट इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये टू टर्म है इसमें जिसमें सबसे पहले हम प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में समझेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में समझेंगे हम किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है उसका कंट्रोलिंग की जाती है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट सही बने डिफेक्ट फ्री बने कॉस्ट कम लगे और सही समय पे प्रोडक्ट मार्केट में जाए जिससे हमारा ब्रांड नेम भी अच्छा हो तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्लाइड के माध्यम से समझते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है और इसका इस्तेमाल करने का हमें क्या बेनिफिट है इंडस्ट्रीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग का इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम समझते हैं इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग प्लस प्रोडक्शन कंट्रोल इक्वल टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग करके और दूसरा प्रोडक्शन का कंट्रोल करके जिसमें क्वालिटी कंट्रोल है क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर मॉनिटरिंग जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका करता है जिससे कि डिफेक्ट फ्री पेपर हमारा मार्केट में जाए और प्रोडक्शन प्लानिंग में शुरू करते हैं हम रॉ मटेरियल से लेकर के क्या प्रोसेस यूज करना है हमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है और मशीन पर किस तरीके से हमें प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन करना है किस समय कौन सा ऑर्डर हमें बनाना है कितने समय में हमें मार्केट में भेजना है उस हिसाब से हम इसको प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं अगर हम इन दोनों टर्म को मिला दें तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है फिर कुछ डेफिनीसन्स हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं प्रोडक्शन को हम क्या समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मेटीरियल टू फिनिश्ड गुड रॉ मेटीरियल को फिनिश्ड गुड जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट व्हाट इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना प्रोडक्शन की प्रोसेस में किसी भी इंडस्ट्री में डिफेक्ट फ्री डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं हमें डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स का हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और मार्केट में सही समय पे हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकें तो ये सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से हम कर सकें उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाते हैं डेफिनेशंस में अगला है प्रोडक्शन प्लानिंग इट इज़ अ टेक्निक विच हेल्प्स इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टू वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट to obtain the desired quality of product with optimum efficiency and a minimum cost. ये एक, production planning एक technique है जो हमें planning में और scheduling में मदद करती है किसी भी manufacturing plant में desired quality का product बनाने के लिए पूरी efficiency एक optimum efficiency पे product बनाने के लिए और उसको मिनिमम कॉस्ट मेंटेन करने के लिए जिसमें प्रोडक्ट प्रोडक्शन में मिनिमम कॉस्ट आए इसको प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल इट एंश्योर्स दैट वर्क इज़ बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द प्लान जो भी हमने प्रोडक्शन की प्लानिंग की है तो प्रोडक्शन कंट्रोल उसको ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन प्लानिंग का जो फेज है दिस इन फेज इंक्लूड्स ए सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ टू परफॉर्म ए टास्क इन एन ऑर्डरली मैनर बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फैसिलिटी फैसिलिटीज़ जो भी हमारे पास अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो भी हमारे पास मशीनरी है हम उसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हुए एक सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हुए और अपना जो भी आइडियाज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स फाइव एम्स जिनमें मनी है मेथड है मैन है मशीन है और मटेरियल है ये फाइव एम मिलकर के प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं इन फाइव एम के इस्तेमाल से हम प्रोडक्शन प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं मेटीरियल में रॉ मेटीरियल है उसके बाद मशीन है मशीन हम किस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बाद मैन पावर है मैथड्स मैथड्स का मतलब है मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल होती हैं वो मैथड्स में आएंगी और मनी मनी उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा पेपर बनाने में या कोई भी प्रोडक्ट बनाने में तो वो कैपिटल या कॉस्ट या मनी के अंतर्गत आता है स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग अब प्रोडक्शन प्लानिंग हम करेंगे सबसे पहले तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे उनके बारे में हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में मेनली चार स्टेप्स हैं प्रोसेस प्लानिंग रूटिंग शेड्यूलिंग लोडिंग इनको वन बनवाए वन हम लोग समझते हैं कि क्या है प्रोसेस प्लानिंग अब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है अगर हम तो उसमें हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हमको बनाने हैं जो भी मार्केट से हमें ऑर्डर आया है कि इस प्रॉपर्टीज़ का हमें पेपर चाहिए तो हमें वो प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्शन प्लानिंग में उसको हम इस टर्म के माध्यम से समझते हैं प्रोसेस प्लानिंग कैन बी डिफ़ाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्लान फॉर द प्रोसेस रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एज ईज मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ऑपरेशन बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस प्लानिंग कैन बी डिफ़ाइन प्रोसेस प्लानिंग को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्लान डिटेल प्लान का प्रिपरेशन करना और द प्रोसेस प्रोसेस जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डिटेल प्लानिंग का इस्तेमाल करना टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ऑपरेशंस क्योंकि हर एक प्रोसेस में बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन ऑफ़ रॉ मटेरियल सिलेक्शन ऑफ मशीनरी पार्ट्स प्रोसेस लेआउट टाइम सेटअप स्टैंडर्ड ऑपरेशन टाइम डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस प्लानिंग में स्टेप्स हैं वो ये स्टेप्स हो सकते हैं प्रोसेस सिलेक्शन अब हमें प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है उसे हम प्रोसेस सिलेक्शन कहेंगे सिलेक्शन ऑफ़ रॉ मेटेरियल हमें कौन सा रॉ मेटेरियल का इस्तेमाल करना है कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको हम सिलेक्शन ऑफ़ रॉ मेटेरियल कहेंगे क्योंकि हमें वो रॉ मेटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमें वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना है सिलेक्शन ऑफ मशीनरी पार्ट हमें कौन सी मशीनरी से प्रोसेस को पूरा करना है उसमें मशीनरी का सिलेक्शन करना है और उसको सिलेक्शन ऑफ मशीनरी पार्ट्स बोलते हैं प्रोसेस लेआउट अब उसका कोई फ्लो डायग्राम होगा प्रोसेस का प्रोसेस का क्या लेआउट है क्या फ्लो डायग्राम है कौन सा पाथ है वो प्रोसेस पूरा करने के लिए किन किन इक्वमेंट से वो प्रोसेस पूरा होगा इसको हम प्रोसेस लेआउट कहते हैं टाइम सेटअप स्टैंडर्ड ऑपरेशन टाइम अब टाइम सेटअप टाइम का सेट करना और स्टैंडर्ड ऑपरेशन टाइम कितने उसमें ऑपरेशन पूरा करने में प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगेगा इसको हम टाइम सेटअप एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन टाइम बोलते हैं उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं शुरू से लेकर के और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ तक अगर हमारा क्या क्या प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ क्या टाइम लगा क्या रॉ मटेरियल का सिलेक्शन हुआ क्या मशीनरी का इस्तेमाल किया क्या क्या पैरामीटर्स हमने मशीनरी में रखे हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन भी करना ज़रूरी होता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल रूटिंग अब हम कोई पेपर बना रहे हैं तो उसका रूटिंग का मतलब है कि हमें कौन सा पाथ इस्तेमाल करना है कौन सा रास्ते से हम उसको ले जाएंगे प्रोसेस को कौन सी मशीनरी से हम उसका पेपर बनाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको रूटिंग कहते हैं अब कि मुझे कहीं से यहाँ से जाना है दिल्ली तो हम कहेंगे कि ये रूट अच्छा है या वो रूट अच्छा है तो और कौन से रूट से हम पहले जा सकते हैं और सेफ तरीके से जा सकते हैं तो इसको हम रूट बोलते हैं तो उसी से ये वर्ड आया है रूटिंग कि हम कौन से रास्ते से ये प्रोसेस को गुजारेंगे और किस रास्ते में कौन से रूट से हमें प्रोसेस को पूरा करने में प्रोडक्ट को बनाने में कम समय लगेगा कॉस्ट कम लगेगी और सही प्रोडक्ट बनेगा इसको हम रूटिंग के नाम से जानते हैं रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का डिटर्मिनिंग करना है इसको रूटिंग कहते हैं डिटरमाइंस द पाथ फॉर फ्लो ऑफ वर्क राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रॉ मेटेरियल अनटिल द कम्प्लीसन ऑफ़ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड कौन सी बात से हम रॉ मेटेरियल से लेकर के फिनिश गुड तक हम इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने उसको हम रूटिंग कहते हैं रूटिंग इज समराइज इन रूट सीट्स रूट सीट्स समराइज प्रोसेस लाइक डेस्क्रिप्सन ऑफ ऑपरेशन सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टाइप ऑफ मशीनरी सेटअप टाइम ऑपरेशन टाइम रूटिंग इज समराइज रूटिंग को हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं डेस्क्रिप्शन व ऑपरेशन हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसका क्या डेस्क्रिप्शन है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कि क्या सीक्वेंस होगा ऑपरेशन का हमारे कौन से इक्विपमेंट सबसे किस कौन से इक्विपमेंट पहले आएगा कौन सा बाद में है उसका एक सीक्वेंस होता है ऑपरेशन का कोई भी प्रोडक्ट बनाने का एक प्रोसेस है एक सीक्वेंस है उसको हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कहते हैं जैसे पेपर बनाने के लिए हम पहले रॉ मेटेरियल से पल्प बनाएंगे, पल्प से हम पल्प में क्या क्या प्रॉपर्टीज का पेपर बनाना है हम उनको इस्तेमाल करेंगे पल्प का रिफाइनिंग करेंगे उसके बाद हम उसे मशीन पर भेज कर पेपर बनाएंगे तो इसको हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं टाइप्स ऑफ मशीनरी हम मशीनरी का कौन सा कितने तरीके की मशीनरी हो सकती है अलग अलग तरीके की मशीनरी हो सकती है हम किस तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेटअप टाइम प्रोडक्ट को बनाने में क्या हमारा टाइम सेटअप रहेगा और ऑपरेशन टाइम टोटल प्रोडक्ट बनाने में कितना ऑपरेशन टाइम लगा इस पर हम फोकस करेंगे रूटिंग के माध्यम से सेकेंड आता है शेड्यूलिंग अब मार्केट से ऑर्डर्स आते हैं उनका अलग अलग टाइम निर्धारित रहता है कि हमें इस समय तक मार्केट में ये प्रोडक्ट भेजना है तो उसका शेड्यूलिंग करना पड़ेगा शेड्यूलिंग का मतलब है कि हम किस समय हमें कौन सा ऑर्डर मार्केट में देना है कौन सा प्रोडक्ट किस समय तक मार्केट में डिस्पैच करवाना है उसके हिसाब से हमें मशीन पर ऑर्डर लगाने पड़ेंगे और उनकी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि किस समय तक हमें ये प्रोडक्ट बना करके शेड्यूल टाइम में हमें मार्केट में भेजना है तो इसको इस वर्ड को इस प्रोसेस को शेड्यूलिंग के नाम से जानते हैं शेड्यूलिंग कंसर्नस विद टाइम एलिमेंट शेड्यूलिंग का जो कंसर्न है वो टाइम एलिमेंट से है मेनली इसमें टाइम मैनेजमेंट है कि ऑर्डर पूरा करने का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको शेड्यूलिंग के अंतर्गत लाते हैं इट रिफर्स टू द टाइम फ्रेम ऑफ ऑल प्रोडक्शन पूरा प्रोडक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता है ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दे आर फोर शेड्यूलिंगिंग इज़ आल्सो नोन एज अ टाइम फेज ऑफ लोडिंग जो भी हम प्रोडक्ट को मशीनरी पे बनाते हैं और कौन सी मशीन में कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं इस प्रोसेस को भी हम लोडिंग के नाम से जानते हैं शेड्यूलिंग इज़ द डिटर्मिनंग ऑफ टाइम शेड्यूलिंग क्या है टाइम का डिटर्मिनेशन है एंड डेट और तारीख का व्हेन ईच ऑपरेशन इज़ टू बी कम्प्लीटेड ईच ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेशन है पेपर बनाने का हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाने का ऑपरेशन है ये हमें पेपर बनाना है वो उसका क्या साइकिल टाइम होगा क्या शेड्यूल टाइम होगा क्या डेट होगी कि इस डेट तक हमको इसको मार्केट में डिस्पैच करवाना है पेपर को तो या कोई भी प्रोडक्ट को डिस्पैच करवाना है तो हमें उसका एक शेड्यूल टाइम तैयार करना पड़ेगा शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी उसकी द टाइम एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच कंपोनेंट इज फिक्स्ड इन सच ए वे दैट असेंबलिंग फॉर फाइनल प्रोडक्ट इज़ नॉट डिलेड इन एनी वे हमारी एक फिक्स्ड डेट होगी कि इस समय तक हमें मार्केट में प्रोडक्ट भेजना है तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए इसीलिए हम शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं कि बराबर डेट के हिसाब से हम ऑर्डर लगा देते हैं कि ये ऑर्डर हमें इस डेट तक इस समय तक पूरा करना है उसको हम शेड्यूलिंग के अंतर्गत लाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग अब शेड्यूल का क्या ऑब्जेक्टिव है वही मैं अभी बता रहा हूँ कि मेनली इसमें टाइम मैनेजमेंट है टू रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव शेडूल का क्या है प्रोडक्शन का टाइम रिड्यूस करना टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट कैन बी डिलीवरड बिफोर द ड्यू डेट ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए बिफोर ड्यू डेट ड्यू डेट के पहले ये ऑब्जेक्टिव है शडोलिंग का टेक्निक क्या है मास्टर शेडूल है परपेचल शेड्यूल है और ऑर्डर शेड्यूल हैं मास्टर शेड्यूल इट कंटेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑर्डर्स से भी ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मास्टर शेड्यूल के अंदर आती है ऑन रिसीविंग द ऑर्डर दे मार्ग ऑन मास्टर शेडूल डिपेंडिंग अपॉन दियर डिलीवरी डेट डिलीवरी डेट के हिसाब से उसमें डेट मार्किंग कर दी जाती है जब ऑर्डर रिसीव किए जाते हैं इट शोज़ रनिंग प्रोडक्शन वर्क एंड वर्क अहेड और मास्टर शेड्यूल की ये टेबल दी हुई है वीक वन वीक टू वीक थ्री वीक फोर मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना घंटे में मिनिमम प्रोडक्शन आवर कितना घंटे इसको हम ऑर्डर में लगा देते हैं वीक वीक के हिसाब से और डेट के हिसाब से परपेचुअल शेड्यूल इट प्रोवाइड्स ओनली अ ग्रॉस पिक्चर ऑफ शेड्यूल इट इन्वॉल्व्स परपेचुअल ऑफ लोड एनालिसिस शीट परपेचुअल ऑफ गैंट लोड चार्ट परपेचुअल लोड एनालिसिस शीट इस तरीके से बनाते हैं ऑर्डर नंबर सेक्शन पी सेक्शन क्यू सेक्शन आर ए बी सी शिफ्ट के हिसाब से सेक्शन पी सेक्शन क्यू और सेक्शन आर में कितना क्वांटिटीज हमको प्रोडक्शन करना है कितना प्रोडक्ट बनाने हैं उस हिसाब से इसमें ऑर्डर लगाते हैं ऑर्डर शेड्यूलिंग ऑर्डर शेड्यूलिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाई प्लॉटिंग डेट्स वर्टिकली एंड फैसिलिटी हॉरिजेंटली ऑन द चार्ट ऑर्डर शेड्यूल में प्लॉटिंग डेट्स डेट को वर्टिकली और फैसिलिटी को हॉरिजेंटली प्लॉट करके एक चार्ट बनाते हैं ये जो चार्ट की फिगर दी हुई है इसमें फैसिलिटीज़ को हॉरीजेंटली प्लॉट किया गया है और फैसिलिटीज़ को वर्टिकली किसी भी महीने में डेट वाइज इस तरीके से हम ऑर्डर लगाते हैं और अपना प्रोडक्शन स्मूथली करते हैं बिफोर डिलीवरी ड्यू डेट लोडिंग लोडिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड कैपेसिटी एट वर्क प्लेस हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें कैपेसिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मशीनरी की कितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल की लोडिंग मशीनरी में करते हैं इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल हमारे पास कितनी मशीन्स हैं वो लोडिंग के अंतर्गत आती हैं देयर स्पीड उनकी क्या स्पीड है कैपेसिटी क्या है कैपेबिलिटी क्या है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वर्क लोड एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से ही हम उसमें प्रोडक्शन के लिए हम रॉ की लोडिंग करते हैं और उस पर उसका क्या वर्कलोड आ रहा है और एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी और उसकी क्या प्रोडक्शन का आएगा कि उसका क्या ड्रॉ आएगा उसका क्या थ्रोपुट होगा हम उसके माध्यम से इसकी कैपेसिटी का निर्धारण करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में समझा अब हम प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में समझेंगे क्योंकि शुरू में हमारी जो टर्म थी वो थी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में समझा अब हम लोग प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में समझेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल इज़ द कंपेरिजन बिटवीन प्लानिंग आउटपुट एंड आउटपुट अचीव्ड अब प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है हमारी क्या प्लानिंग थी इतना आउटपुट बनाने की और हमने कितना अचीव किया ये इसके अंतर्गत आता है प्रोडक्शन कंट्रोल के अंतर कि हम एनालिसिस करते हैं कि हमने जो टारगेट रखा जो हमने अचीव किया या नहीं किया और सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में अचीव किया है कि नहीं किया है उसकी मॉनिटरिंग करना प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत आता है डिस्पैचिंग डिस्पैच प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के बाद में प्लानिंग एंड कंट्रोल के बाद में हमारा डिस्पैचिंग एक सेक्शन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री टू स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ ए गिवन जॉब ऑन एन असाइंड मशीन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली प्लान्ड सिक्वेंस एंड टाइम एज डिटेल इन रूट सीट एंड ऑर्डर चार्ट पिछला जो भी हमने प्रोसेस बताया वो डिस्पैचिंग के माध्यम से कंडक्ट होता है डिस्पैच एक डेट के हिसाब से जो भी हमारी ड्यू डेट है उसमें प्रोडक्ट का डिस्पैच करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफ़रेंट वर्क स्टेशंस। प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल का मूवमेंट है कहाँ पर भेजना है हमें प्रोडक्ट को वो भी इसके अंतर्गत आता है मोमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन ऑपरेशन टू एन औदर एंड सुपरविज़न ऑफ वर्क कम्स अंडर दिस कैटेगरी किस कंपनी को किस पार्टी को कितनी क्वांटिटी का मटेरियल भेजना है वो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से डिस्पैच किया जाता है फॉलोअप इट इंक्लूड्स और डेविएशन डिले फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान अप फॉलोअप का मतलब सुपरविज़न सुपरविज़न का मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है या उसमें क्या डेविएशंस हैं प्रोडक्शन में क्या डिले हो रहा है टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब सुपरविज़न इस सेक्शन में आता है फॉलोअप में इट हेल्प्स टू रिवील द डिफेक्ट्स इन रूटिंग स्लोडिंग लोडिंग डिस्पैचिंग मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ ऑर्डर ये फॉलो अप सेक्शन इन सब पे नज़र रखता है रूटिंग शेड्यूलिंग लोडिंग डिस्पैचिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर कोई भी ऑर्डर लगाने में मिस अंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो ये फॉलोअप के माध्यम से पकड़ में आता है और उसको करेक्ट किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल अब कॉस्ट कंट्रोल कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम तो कॉस्ट की कंट्रोलिंग करनी पड़ती है नहीं तो आउट ऑफ कॉस्ट जाएगी कंट्रोल कौन कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है पेपर या जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम तो उसकी कॉस्टिंग पे कंट्रोल जरूरी है नहीं तो हम प्रॉफिट में नहीं आएंगे लॉस में ही जाएंगे, इसलिए हमें कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज़ डिटरमाइंड पेपर बनाया है हमने या जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितनी टोटल कॉस्ट लगी है उसका डिटरमिनेशन करना और उसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ करना ये कॉस्ट कंट्रोल में आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो हमारी प्रोडक्ट बनाया हमने कितनी कॉस्ट आई उसमें कितना डेविएशन आया है या कितनी कॉस्ट ज़्यादा आई है तो उसको करेक्टिव एक्शन के माध्यम से एनालिसिस करना और कॉस्ट को कम करना है इट कैन बी कंट्रोल बाई कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं रिड्यूसिंग वेस्टेज वैल्यू एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से वैल्यू एनालिसिस के माध्यम से और रिड्यूसिंग वेस्टेज के माध्यम से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम तो केमिकल वेस्टेज को कम करना है रॉ मेटेरियल वेस्टेज को कम करना है जितने भी हम यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हैं उनके वेस्टेज को कम करना कॉस्ट कंट्रोल में एक अहम भूमिका निभा सकता है क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल एक सेक्शन है एक डिपार्टमेंट है जो फोकस करता है प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा वो डिफेक्ट फ्री है या नहीं है कोई डिफेक्ट है तो उसको अलग करना सेपरेट करना और डिफेक्ट फ्री पेपर को आगे डिस्पैच में भेज देना जिससे कि पार्टी के पास में डिफेक्ट फ्री पेपर जाए और हमारा मार्केट में ब्रांड नेम अच्छा हो फिनिश गुड फिनिश प्रोडक्ट आर इंस्पेक्टेड टू तो एंश्योर देयर एक्सेप्टेबल क्वालिटी फिनिश्ड गुड का इंस्पेक्शन किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से जिससे कि डिफेक्ट फ्री पेपर हमारा मार्केट में जाए ऑलवेज हैव ए प्लान एंड बिलीव इन इट ऑलवेज हैव ए प्लान एंड बिलीव इन इट ऑलवेज हैवी प्लान एंड बिलीव इन एट हमेशा अपना किसी भी वर्क को करने से पहले प्लान करना चाहिए एंड उसमें विश्वास करना चाहिए थैंक यू डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू दोस्तों